नमस्कार साथियों, आज हम अंडा करी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो अंडा करी रेसिपी बनाने के लिए मैंने कुछ अंडे यहाँ पे लिए हैं, 5 अंडे प्लेट के अंदर निकाल लिए। मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल विदेशी मुर्गी के अंडे हैं। और इसकी एक शानदार ग्रेवी भी बनाएंगे और इसकी रेसिपी भी बनाएंगे। तो ये मैंने अंडे यहाँ पे प्लेट के अंदर निकाल लिए हैं। अब जो इसके अलावा हम जो जो सामग्री यूज करेंगे, मसाले यूज करेंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये सामग्री आप देख सकते हैं, इसमें जो सूखे मसाले हैं, आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर है, थोड़ा जीरा लिया है मैंने, आवश्यकता अनुसार लेंगे जीरा दो, एक चम्मच से ज़्यादा कश्मीरी मिर्च है, नमक है स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर है 1.5 चम्मच के लगभग। इसके अलावा जो ज़रूरी है, ये मीट मसाला है। और जो खड़े मसालों में देख सकते हैं, काली मिर्च है, यहाँ पे थोड़ी सी अदरक है और तेज़ पत्ते हैं। इनसे की टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, खास करके तेज़ पत्तों से। इसके अलावा मैं यहाँ पे लगभग 2 प्याज लिए हैं मैंने बड़े, और लगभग 3 छोटे टमाटर यहाँ पे काट लिए हैं। इसके अलावा 2 हरी मिर्च ली हैं, 8-10 कलियाँ लहसुन की, और थोड़ी सी अदरक है, उसका पेस्ट मैंने बना लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इन अंडों को हम बॉईल करेंगे यहाँ पे। इसमें तो मैं पानी के अंदर इनको डाल देता हूँ और गैस चूल्हे पे इनको गर्म कर लेता हूँ। तो गर्म कम से कम 10 मिनट करेंगे तो आराम से फुल फ्लेम के अंदर आराम से हो जाएंगे। मैं इसको ढक देता हूँ, तो आराम से बॉईल होने वाले हैं। ये देखो, इनसे बॉईल हो रहे हैं। ज़्यादा देर बॉईल नहीं करेंगे वरना ये फूट जाएंगे, तो इसमें एक अलग जो भीतर पीला पीला आता है वो निकल जाएगा, तो इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो ये 5 अंडे थे, एक अंडा मेरे थोड़े बाद में डाला था, शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इनको छील लेंगे। मैंने यहाँ पे इनको छील लिया है, छील लेंगे, ऊपर से छिलका होता है उसको हटा देंगे। देखिए आप, छिले हुए अंडे हैं बिल्कुल। और अब जो हमने हमारे पास जो प्याज थे, लहसुन थे और जो हरी मिर्च थी, उसको हम ग्राइंड कर लिया मैंने यहाँ पे। देखो, ये मिक्सी के अंदर ग्राइंड किया है। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तो आप इसको मोम दस्ते में भी ग्राइंड कर सकते हो, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, काफ़ी अच्छी ग्रेवी बनती है उससे भी। और जिसके पास मिक्सी है उसको तो कोई खास परेशानी नहीं आने वाली है, उसको आराम से मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सूखे मसाले थे, मिर्ची पाउडर वगैरह, हल्दी वगैरह, तो वो भी मैंने उसका भी एक पेस्ट बना लिया है। उनको हल्दी है, मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है, स्वाद अनुसार उनको एक जगह इकट्ठा करके पानी में मिला लिया है ताकि एक पेस्ट बन जाए। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छी बनेगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, अलग अलग डालेंगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका पेस्ट बनाएंगे तो एक अच्छा ही इसमें इम्पेक्ट पड़ेगा और ग्रेवी में थोड़ा स्वाद भी आएगा। अब जो बॉयल अंडे, उनमें इस प्रकार छेद कर देंगे साथियों। छेद इसलिए करते हैं ताकि जो मसाला हम उनको मसाले के साथ फ्राई करेंगे तो आसानी से इसमें फिट हो जाए। तो ये चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा, आप डायरेक्ट इसमें नए मसाले के साथ मिक्स कीजिएगा, नहीं तो भीतर से कच्चे रह जाएंगे और आपको पेट संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। तो इस प्रकार के मैं इसमें छेद कर देता हूँ। अभी अंडे छेद करने के बाद मैं इनको पहले तेल के अंदर फ्राई कर लेता हूँ। तेल गरम कर लिया मैंने, इसमें फ्राई कर लूँगा सभी अंडों को। गैस पर फ्लेम को मीडियम कर देंगे, ज़्यादा गर्म नहीं कर देंगे, जैसे इसको पलटते रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। जैसे पलटता हूँ, पलटने के बाद उसमें भूरा भूरा कलर आ रहा है, इसी प्रकार से सारे अंडों को भूरा भूरा कलर आना चाहिए ताकि ये कच्चे हुए लगे। तो पलटता रहेगा नहीं, तेल वो जल्दी गर्म हो जाता है। पकने के बाद में ऐसे लग रहे हैं पूरे पूरे, बिल्कुल देख सकते हैं आप। और इसमें बेनिफिट ये होता है साथियों, कई बार हम सीधा जो मसाले के साथ में फ्राई कर लेते हैं तो भीतर से कच्चे रह जाते हैं, लेकिन हमने इनको तेल के अंदर फ्राई कर लिया है तो अब इसमें कच्चे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल पके हुए अंडे हैं और पेट संबंधित कोई बीमारी नहीं होने वाली है। अब इनको हम मसालों के साथ भून देंगे। तो सबसे पहले तेल है लिया मैंने, उसमें जो खड़े मसाले हैं वो डाले, और जीरा मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है, काली मिर्च वगैरह इसमें, लौंग वगैरह मैंने डाल दिए इसमें,
इनका यूज से बेनिफिट ये होता है कि पेट संबंधी बीमारियां नहीं होती और खाने में स्वादिष्ट लगती है। अलग से प्याज डाल देता हूँ, जैसे हमने ग्राइंड भी कर रखा लेकिन अलग से डाल देता हूँ थोड़ा सा तो उसको ताकि थोड़ी भी लग जाए इसका। अब जो हमारा पेस्ट किया हुआ मसाला है वो इसमें डाल दूँगा मैं, जैसे फ्लेम को कम कर दूँगा साथ में। यही बेनिफिट है इसके साथ में, मैंने जो पेस्ट बनाया था अब देखो आराम से घुल रहा है, एक काम करके शुरू कर दिया। जो ग्राइंड किया हुआ हमारा मसाला था इसमें प्याज वगैरह थे, टमाटर थे, हरी मिर्च थे, उसमें डाल देता हूँ मैं। अब ग्रेवी तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में, शानदार सी ग्रेवी। अब गैस की फ्लेम को बढ़ा दूंगा मैं, तो लगातार इसको पकाऊंगा। ये मसाला पक रहा है तो इसको पकाना ज़रूरी है। लगभग 3-4 मिनट में पककर तैयार होने वाला है ये मसाला। लगभग हमारा ये मसाला पक गया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे जो फ्राई किए हुए अंडे हैं वो एक एक करके इस मसाले के अंदर डाल देंगे। ये मसाला जो ग्रेवी बन गया है एक प्रकार से, अपने होटलों में खाया होगा ये, अंडे में इसमें डाल देता हूँ एक एक करके। अक्सर होटलों में ऐसी ग्रेवी मिलती है आपको, आप घर पर भी इसको ट्राई कीजिएगा। और इसको मिक्स कर लेता हूँ ग्रेवी के साथ में। बढ़िया तरीके से मिक्स करना है ताकि मसाला वो छेद किए थे ना मैंने, इसीलिए किए थे मसाला इसमें सेट हो जाए। अब 10-1 मिनट में लगभग तैयार हो जाएंगे। अब ये जो मीट मसाला लिया था मैंने वो इसमें डाल देता हूँ मैं। अब चाहो तो आपके पास गरम मसाला तो वो भी इसमें डाल सकते हो, इससे क्या आगे इसका टेस्ट बढ़ जाता है, सुगंध बढ़ जाती है। अभी हमारा रेसिपी बिल्कुल लगभग बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये हरा धनिया है, छोटा हुआ हरा धनिया पिसा हुआ है एक प्रकार से, तो इसमें डाल दूंगा। इसके डालने के बाद हमारी रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब देख सकते हैं आप ये रेसिपी है बिल्कुल शानदार होटलों जैसी। तो ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और रेगुलर रेसिपी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।